बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शख्स था जो बहुत बड़ा अमीर कबीर था। इसका कारोबार बहुत बड़ा था, जिसमें दर्जनों मुलाज़मीन काम करते थे। इसका घर भी काफ़ी बड़ा था, इसमें भी नौकर चाकर काम करते थे। दिन भर वो ऑफिस में काम करता और शाम को घर वापस आता। इसका जो अपना बेडरूम था, वहाँ एक खूबसूरत लड़की की ड्यूटी थी जो सफाई करती थी। एक दिन वो इत्तेफाक से वक्त से पहले घर आ गया। जब ये अपने कमरे में आया और क्या देखता है कि एक खूबसूरत नौजवान लड़की कमरे की सफाई कर रही है। इस नौजवान हसीन और जमील लड़की को देखकर इसकी नीयत ख़राब हो गई। बस शैतान ने इसके दिल में ख्याल डाला, मैं इस लड़की को कमरे में ही रोक लूँगा तो इसकी आवाज़ किसी तक नहीं जाएगी। अगर ये बाहर जाकर इसने किसी को बताया भी तो कोई इसकी बात नहीं मानेगा। मैंने तो पूरे पुलिस स्टेशन को खरीद सकता हूँ, मुलाजमीन में सब मेरी बात मानेंगे। लड़की ने देखा आज मालिक वक्त से पहले आ गए हैं, तो उसने जैसे ही जल्दी से काम ख़त्म करके जाना चाहा तो मालिक ने एक ज़ोरदार आवाज़ में कहा, ठहर जाओ। वो लड़की मालिक के तेवर देखकर घबरा गई। मालिक ने कहा सब खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दो। ये सुनकर लड़की परेशान हो गई, मैं क्या करूं। लेकिन इसके दिल में तकवा अल्लाह का खौफ था। उसने आंसू बह रहे थे और अल्लाह से दुआ भी कर रहे थे। चनाचा इसने एक एक करके सब खिड़कियां और दरवाजे बंद करना शुरू कर दिए। काफ़ी देर हो गई, वो आ नहीं रही। मालिक ने डांट कर कहा, कितनी देर हो गई, अब तक दरवाजे खिड़कियां बंद करके तुम मेरे पास क्यों नहीं आई। तो उस लड़की ने रोते हुए कहा कि मालिक, मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए और खिड़कियाँ भी बंद कर दी, लेकिन एक खिड़की को मैं बहुत देर से बंद करने की कोशिश में हूँ, लेकिन वो हो नहीं पा रही। तो मालिक ने गुस्से से कहा, वो कौन सी खिड़की है जो तुझसे बंद नहीं हो रही। तो लड़की ने कहा, मेरे मालिक, जिन खिड़कियों से मखलूक देखती है, इंसान देखते हैं, मैंने वो सारी खिड़कियाँ बंद कर दी हैं, लेकिन जिस खिड़की से रब्बुल आलमीन देखता है, वो उस खिड़की को बहुत देर से बंद करने की कोशिश में हूँ, लेकिन बंद ही नहीं हो पा रही। अगर आपसे बंद हो सकती है तो आप आकर बंद कर दें। लड़की की ये बात सुनकर इसके मालिक को समझ आ गई कि वाकई मैं अपने गुनाहों को लोगों से तो छुपा सकता हूँ, लेकिन रब्बुल आलमीन से नहीं छुपा सकता। वो बेड से उठा, वजू करके नमाज अदा की और अपने रब के हुजूर सजदा रेज होकर गिड़गड़ा कर माफ़ियाँ मांगने लगा। और आज हम अगर सोचें कि हम लोग दूसरे लोगों से छुपकर तो गुनाह कर सकते हैं, लेकिन अपने गुनाहों को रब्बुल आलमीन से नहीं छुपा सकते। अल्लाह पाक हम सब को गुनाहों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन।